Fernando muy malo. Oye. कहाँ जा रहे हैं आज? उल्लू चंडीगढ़ जा रहे हैं और वहाँ पर हम खेतों में प्रमोशन करने वाले हैं किसानों के बीच। चंडीगढ़ में तेरे बहुत फैन फॉलोइंग है। चंडीगढ़ में तो भाई आपको तो मेरे को लगता है तू देखेगा। बट तेरे? भाई पूछो मत। बहुत खतरनाक है। सरसों, मक्की सब मेरे फैन है। जैसे मैं वहाँ पहुंचा लहराने लग जाएंगे। लड़कियां भी चाहती है तुझे वहां पे। श्रद्धा किधर है? श्रद्धा इज ऑलवेज लेट इन डांस प्लस शी वाज लेट इन कपिल शर्मा शी वाज लेट। और रेमो सर? रेमो सर तो बहुत प्रमोशन कर रहे हैं, वो आज उनको रेस्ट चाहिए था क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है। और लड़कियां तेरी कितनी बड़ी फैन है वहां पे चंडीगढ़ में तो पूछो ही मत।
उधर श्रद्धा को कोई पूछेगा मगर तुम दोनों को नहीं पूछेगा कोई, सॉरी गाइस. चंडीगढ़ इज लाइक इट वाज माय हब. निकाल रहा हूं फोटो ले रहा हूं. फटाफट टच अप दे दो. और कैंडिड और कैंडिड. ये कैंडिड कैसा ब्रो, ये गॉन गाइस स्ट्रीट डांसर. माय गॉड गॉसिप्स. पहले मैं बोल देता हूँ फिर. बोल ले बोल ले बोल ले बोल ले. राघव 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 माँ कसम मेरा नाम मत बोलना. नहीं प्लीज राघव मेरे राघव प्लीज यार चलो ठीक है. मेरे बड़े भैया रेमो सर सबसे पहले इसलिए क्योंकि पेशेंस मेरे में, मैंने सबसे पहले उनसे इधर आके पेशेंस सीखा. कुछ भी हो रहा है सेट में, आग भी लग रही है जो लगी है, जो लगी है वो पेशेंस मैंने उनसे सीखा है जो अभी मेरे काम आ रहा है. और बाकी तो आपको पता ही हमारा कनेक्शन. आई लव यू सर. और एक बार खाली प्रेस के लिए, ताकि प्रेस जानते नहीं है दैट यू हैव साइंड इन एडवर्टाइजमेंट ऑफ पाशा मसाला. एक बार लेट्स डू इट, लेट्स डू इट. एक बार प्रेस के लिए इसका पहला एड है इसने साइन किया है फॉर पाशा मसाला. एक बार हो जाए पाशा. एक्चुअली वो मेरा अग्रीमेंट है उनसे कि मैं इनका कोस्टार हूँ एड में. मैं इनके पीछे करता हूँ तो मैं भी करूँगा आपके साथ. पर एक बार करते ही वो एक्चुअली उन्होंने मना किया कि वो टीसी नहीं मना. साथ नहीं, कुछ नहीं, तो नहीं, पाशा मालूगा. एक बार कर लेते. भाई बहुत यूनिक डांस है ये जो राघव ने बनाया था. तो और मेरे साथ कोरियोग्राफ जो करा है वो मिस्टर वरुण धवन ने किया है. तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा वो स्पेशल एक डांस. रेडी रेडी सर रेडी. 5 6 7 गो. पाशा मसाला, पाशा मसाला, पाशा मसाला. सो यस 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 यस. सॉरी सॉरी मेरे पास माइक है. माइक है, माइक है. अरे वो अपना माइक लेके चलते हैं. क्या बात है. आफ्टर दैट पाशा मसाला थैंक यू सो मच. या मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा यार कि एक पेड़ होता है जो बहुत सारे लोगों को एक छांव देता है. मैं रेमो सर को वो पेड़ मानता हूँ जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं. एंड आई पर्सनली टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी सिंगल वन ओवर हियर, फ्रॉम वरुण, फ्रॉम श्रद्धा, फ्रॉम ईच एंड एवरी डांसर. एंड या दैट्स व्हाट इट इज. मैं पोस्टर में इसलिए नहीं हूँ क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी और बाकी सब लोग हैं. और सबसे मेन बंदा शशांक यहाँ पर बैठा है जो जो आप ये देख सकते हैं. थोड़ा सा श्रद्धा एक मिनट. आप एक्चुअली श्रद्धा श्रद्धा उनकी को एक्टर हैं. इनकी ये देखिए, ये दरअसल इनके घर में आप समझते हैं ना किस टाइप का पॉट है. तो इस हिसाब से बट यस व्हाट टू डू, लाइफ इज अ स्ट्रगल. वरुण पाजी यार. आप पाजी इधर ऑन. चंगा पाजी. ऑल गुड ऑल गुड. ऑन द लेफ्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. थैंक यू. यू नो व्हेन द लास्ट टाइम वी मेट आपने कहा था कि वी वर ऑन अ टाइट शेड्यूल क्योंकि हमें पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी काम पूरी वो मेहनत लगती है, उतना टाइम लगता है. एंड एक्चुअली इट हैज पेड ऑफ वेरी वेल. हमने ट्रेलर में देख के पता लग रहा है. मेरा सवाल आपसे जिस तरीके से फिल्म की जो स्टोरी हमने देखी है ट्रेलर में, मतलब क्रॉस बॉर्डर डांस कॉम्पिटिशन होता है एट द एंड वी आर सीइंग मिले मिले सुर मेरा तुम्हारा टुगेदर. एक्चुअली डोंट यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम, मतलब एक तो रिपब्लिक डे का वीकेंड आ रहा है, इट्स अ परफेक्ट टाइम. और ये आज के टाइम में ये बहुत जरूरी भी है वेयर द फिल्म इज टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी टुगेदरनेस, एकता की बात कर रही है. डू यू थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर दिस फिल्म? आई थिंक 100%. ये जो फिल्म थी जब मैंने मुझे ऑफर हुई थी, एक्चुअली तुषार और रेमो सर आए थे तो उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी ऑन खालसा एड ऑन स्वॉट, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वेयर दे हेल्प पीपल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे. ये लोग हेल्प करते हैं, खाना देते हैं, शेल्टर देते हैं, डजेंट मैटर कि वो लोग क्या कास्ट क्रीड कलर के होते हैं. तो ये मैं डेफिनेटली कहना चाहता हूँ कि हमारी फिल्म अमन के बारे में है. इट्स अबाउट पीस ह्यूमैनिटी. हमारे फिल्म का जो डायरेक्टर है इज अ क्रिश्चियन गुजराती. जो हीरो है वो पंजाबी है. जो हीरोइन है शी इज़ पंजाबी महाराष्ट्रन. हमारे फिल्म में गुजराती है, मराठी है, सिख है, मुस्लिम है, मरोक्किन है, मतलब हर देश. आप देख लो नेपाल से भी लोग हैं. वी हैव ऑल रिलीजन्स कमिंग टुगेदर एंड पीसफुली. एक बहुत पीसफुल मैसेज देना चाहते हैं हम लोग जो ये फिल्म के थ्रू आएंगे. इट्स जस्ट दैट कि डांस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पीस. श्रद्धा श्रद्धा मेरा सवाल आपसे है. इस साल आपका बहुत ही बिजी रहा विद साहो छिछोरे एंड स्ट्रीट डांस. यू वर शूटिंग यू नो बैक टू बैक विद दिस फिल्म.
मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे वरुण पाजी ने ABCD2 के टाइम पे कहा था कि जब मैं बदलापुर ABCD2 कर रहा था, फॉर मी कमिंग ऑन ABCD2 सेट वॉज लाइक अ रिलीफ, मतलब मैं वो वहां से मुझे थोड़ा रिलीफ मिलता था. इज दैट अ सेम केस? मतलब एक तो यू आर डूइंग अ हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर साहो, देन यू आर डूइंग एन इमोशनल ड्रामा विच हैज अ कॉमेडी एज वेल छिछोरे, बट कमिंग ऑन स्ट्रीट डांसर सेट एंड वर्किंग अगेन विद वरुण पाजी, वॉज देर अ रिलीफ काइंड ऑफ यू? था कुछ रिलीफ जैसा? यू नो You know, I think the best part, of course, to be back with Varun, and more than anything also, is to be back with the whole ABCD2 gang and that family again. तो क्योंकि हमने इतना वक्त गुजारा था और एक दूसरे को इतने अच्छे इतनी अच्छी तरह से जान गए थे, तो जब आप वापस आ जाते हो और वो एनर्जी आ जाती है वापस, और कई कई न्यू मेम्बर्स भी हैं इस बारी, नौरा हैं एंड वी हैव मैनी मैनी अदर अमेजिंग डांसर्स, तो उनके साथ वापस आना और उनके उनसे इतना कुछ सीखना, आई थिंक कि यू डोंट गेट दैट काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी. एंड सबके लिए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज हमें इस फिल्म को नेक्स्ट लेवल फ्रॉम ABCD2 वी हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल. सो सब ने बहुत मेहनत की. बहुत बीमार पड़ी भी है सेट पे, ये बोल रही नहीं है, बट 3 या 4 बार बहुत बीमार पड़ी है ये. शी वुड फॉल वेरी अनवेल बिकॉज हर स्केड वॉज क्रेजी. बट एक्चुअली आई थिंक रेमो सर एंड मी आर सो थैंकफुल टू श्रद्धा, क्योंकि ये जिस तरीके से फिल्म में आई है उसका एक अलग ही स्टोरी है. Remo? Yeah. Hi, towards your right. Here. Hi. First of all, congratulations to the entire gang. Amazing trailer, I should say. This is Ankita from Republic. And film jo hai wo already kafi kuch hit dikh rahi hai mujhe, because jo dancing hai, jo factor hai, jo 3D aapne jo use kiya hai, kafi acha hai. But sir, aapse jana chahungi kitna challenging tha, first of all, kyunki first 3D film hai India ki. Second, मतलब as मेरे लिए fourth, आपके लिए fourth है. And also wanted to check with you कि क्या हम ये fourth भी देख सकते हैं, इसका installment, the next installment? Of course, why not? और इतनी मेहनत करके ये एक product बनाया है तो yes. बिल्कुल. मेरी इसलिए वहाँ देख रहा हूँ क्योंकि next नहीं नहीं कर चुके पहले. बस ताकत दी है ना मेरी, Lizelle is my heroine, और क्योंकि नौरा मोरक्को से है और मुनिया भी मोरक्को से है, तो मेरी दो हीरोइन यहाँ पे है. साथ ही जो आपने मुकाला सॉन्ग है मुकाबला जी. जो आप लोग ने वापस से रीडू किया है yeah. कितना टफ था, बिकॉज यू नो ही इट्स एन आइकॉनिक सॉन्ग, और प्रभु देवा जी का जो सॉन्ग है उसको फिर से परफॉर्म करना और उसको इतने अच्छे से खूबसूरती से करना, क्या कुछ टफ था उस सॉन्ग के लिए? वो मैं बता दूँ, सबसे पहले जब मुझे भूषण जी ने बोला कि ये गाना यूज़ कर सकते हैं तो मैं बहुत खुश हो गया था, क्योंकि ये मैंने जब मैं स्कूल में था तब 25 साल पहले प्रभु सर ने ये गाना किया था, 25 years back. और मुझे नहीं पता था कि ये गाना कभी मैं, मतलब मैं प्रभु सर से मिल पाऊँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं गाना कर पाऊँगा कभी उनके साथ सेम गाना. और फिर जब मिला टेंशन था, क्योंकि इतना आइकॉनिक गाना, ऊपर से इतना अच्छा शूट किया था उस टाइम पर, तो डर लग रहा था मुझे कि कैसे होगा. लेकिन मुझे एक बात का कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इसमें प्रभु देवा खुद ही थे, तो मैंने बोला ये मेरे साथ है, बस मेरे गल और कुछ नहीं होगा. अच्छा लगा कि मतलब वरुण और श्रद्धा नहीं नाचेंगे गाने में, प्रभु देवा है तो ठीक है संभल जाएगा. हाँ बहुत इन लोगों ने बहुत पीछे मेरे किया, सर एक स्टेप तो डाल दो, मेरा एक स्टेप कर दो. मैंने बोला स्टोरी में नहीं है, भीख मांगा है. हाँ ये फिर मेरे को जबरदस्ती एक शॉट लेना पड़ा जो फिल्म में नहीं है, जो फिल्म में नहीं है आपके लिए सर. प्लीज सर, बट वॉच आउट फॉर अदर गाइज, बट वॉच आउट फॉर श्रद्धा एंड प्रभु सर का एक सीक्वेंस. वाओ, श्रद्धा इज इन बुक. आल्सो इतनी जो एंसेंबल कास्ट के साथ हैं, कितना टफ हो, कितना इजी था इन लोगों के साथ पे डांस करना, क्योंकि आई कैन सी काफी कुछ पंचेस और मस्ती निकल के आ रही है अगर, तो फिर ऑन द सेट्स भी ये ज्यादा होता होगा. डांस नहीं, इनको कंट्रोल करना कैसा था वो पूछो रोज. नहीं नहीं ये सारे बहुत ही ये इनसे बात करके तो लग ही गया होगा बहुत नटखट है. एक ये शांत रहता है अपने, एक बोलते हैं ना क्लास में एक मॉनिटर जो सबको, ये वो लड़का है. बाकी ये भी बहुत सीधा है, थोड़ा सा है बिगड़ गया सर, बिगड़ गया. ये जो छुप रहा है ये शक्ल से बहुत सीधा दिखता है, ये और ये, इनको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है मुझे. और बाकी सब बहुत मस्ती करते रहते हैं लेकिन डर जाते हैं कभी कभी, लेकिन ये जो है ना दो और ये इनके चक्कर में ये दोनों भी, ये तीनों बेसिकली. हाँ मतलब
सर सबसे ज्यादा टेंशन वही होता था कि इनको कंट्रोल करना बस. वरुण सर और श्रद्धा जी, राहुल यर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल आप दोनों, योर सेंटर. देखिए देखिए, ट्रेलर बहुत अच्छा है और कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. और मेरा सवाल ये था कि एक तरह से देखा जाए तो ऑन स्क्रीन आप स्ट्रीट डांस में आप डेब्यू कर रहे हैं एक तरह से, क्या रियल लाइफ में आप दोनों ने कभी स्ट्रीट पे डांस किया है? और दूसरा सवाल इसके अलावा, डांस के अलावा और क्या क्या शौक है, क्योंकि स्टारों के शौक होते हैं कि पानीपुरी स्ट्रीट पे खड़े होकर खाना. स्ट्रीट पे क्या शौक है हमारे? आप दोनों के. एक्चुअली मैं और बहुत पेचीदा सवाल फेंका है आपने बहुत कैजुअली, बट मैं बोल देता हूँ कि स्ट्रीट पे ज़्यादातर नहीं करना चाहिए कुछ, मतलब पर क्योंकि अलाउड नहीं है, पर स्ट्रीट पे डेफिनेटली मैं नाचा हूँ. गणपति विसर्जन में मैं रहता हूँ जू बीच के सामने. ये भी हम दोनों बचपन से नाचते आए हैं एक साथ. एक्चुअली दिस इज अ ट्रू थिंग, क्योंकि इनका हाउ ओल्ड यू व्हेन आई गेम फॉर फर्स्ट बर्थडे पार्टी? सेवन. मुझे अभी भी याद है, इन्होंने कुछ पिंक कलर का फ्रॉक पहना था और वो हैंड पे ऐसा ग्लव वव था और ये बहुत गुस्सा हो गई थी क्योंकि मैं, और डांस कॉम्पिटिशन होता है ना बच्चों के बर्थडे पार्टी में, तो मैं हमेशा जेन्युइनली फर्स्ट आता था उस वक्त, क्योंकि ऐसे डांसर्स तो नहीं आते थे वो पार्टी में, तो मैं जीत जाता था. बट ये मेरे से बहुत गुस्सा हो जाती थी बिकॉज मैं इनके साथ नहीं नाचता था उस वक्त. पर अभी तो नाच रहे तो. भाई नाचते ही है साथ में यार, और अलावा नहीं करते कुछ. कभी कभी रोड पे, हाँ वो मतलब सब जूबीच पे जो खाना पीना मिलता है वो करते हैं, कछुआ वछुआ लड़ते हैं उनको भी देखा है, और पानी पूरी खाना, विसर्जन के टाइम पे मस्त डांस करना, क्रिकेट भी खेला है मैं, स्ट्रीट पे क्रिकेट भी खेला है, और फिर गाड़ी आती है और फिर आपको वो टायर या जो ब्रिक होता है वो आप विकेट बना देते हो, वो हटाना पड़ता है, वो गाली देके जाता है, बोला हाँ तेरी यहाँ चल, फिर वापस रख के वापस खेलते. तो इधर से ही है, तो ऐसा ही है अपना. हाँ क्या कर सकते है भाई, स्ट्रीट पे कुछ तो है, कुछ तो है. किसका, किसके आदमी हो तुम भाई, कौन से हीरो ने भेजा है तुम्हें? Love you. Hello, hi. On your right, Varun, Sohail. Yeah, on your right. Sohail, what's up, buddy? Remo, Varun, Shraddha, Bhushan ji, and entire team. Congratulations. बहुत ही जबरदस्त trailer है. Thank you, sir. पहले दोनों part was super. और we're talking about dancing skill. तो इस बार super से ऊपर होना चाहिए था. तो उसके लिए कितनी मेहनत गई, and definitely, Remo ji, आपने भी देखा होगा कि अभी इससे और कुछ अच्छा करना है. What I have to say about that thing? वरुण एंड श्रद्धा ऑल्सो. मेरे लिए तो ये बहुत मतलब हर बार जब भी डांस फिल्म बनाते हैं तो मेरे लिए चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन एक डांस फिल्म के बाद दूसरी डांस फिल्म बनाना और उसके ऊपर जाना, उसके बाद दूसरी बनने के बाद ये स्ट्रीट डांसर 3 के साथ आना, और लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है. यही लोग हैं मेरे, सब जितने हैं यही लोग आते हैं, और मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि जो टैलेंट है वही आता है, और जो नया टैलेंट है वही अपने आप में एक नयापन लेके आता है. सो मेरे इस वाले स्ट्रीट डांसर 3 में मेरे ये टैलेंट तो है ही, लेकिन इसमें बहुत सारे नई एंट्रीज हैं. सो एक टीम है, पूरी की पूरी नई टीम है जो आई है, बहुत कुछ नया लेके आई है. सो पहली बात, जब ये फिल्म शुरू हुई तो मैं भी सोच रहा था अभी नया क्या होगा, तो पहला डायलॉग ही है कि सर ने इनको पूछा कुछ नया नहीं है क्या, वही करोगे? और मैं then, और मुझे यही पूछ रहे तू कब करेगा डांस, मतलब मैं कर रहा हूँ सर, एक तुम लोग करके देखो. यस या श्रद्धा, श्रद्धा समथिंग फ्रॉम यू आल्सो, लाइक यू मस्ट हैव आल्सो ट्राइड कि नाउ समथिंग मोर बेटर, या नेक्स्ट लेवल सुपर से ऊपर. आई थिंक कि हम सब के लिए, जैसे मैंने कहा कि बहुत डिफिकल्ट था, एंड आई कांट इवन इमेजिन कि रेमो सर के लिए, क्योंकि इन्होंने ये जॉनर ही इज ब्रॉट इट टू इंडिया, यू नो. सो उनके लिए आई थिंक काफ़ी काम नज़र आ रहे हैं, लेकिन आई कांट इवन इमेजिन कि कितना प्रेशर इन पे रहा होगा. डेफिनेटली वरुण ने हम दोनों को पहले, ऑडियंस ने हम दोनों को देखा है पहले डांस करते हुए, तो आई थिंक फ्रॉम इवन दी ऑडियंसेस एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है हम सब के लिए, एंड चैलेंजेस थे जो आप आई थिंक धीरे धीरे देखेंगे, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. तो सच में सर ने जिस तरीके से फिल्म बनाई है, वॉट ऑल ही इज बीन थ्रू पर्सनली, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है ये आदमी के लिए. ही इज़ हमारे इंडस्ट्री में होता है ट्रोलिंग वोलिंग बहुत होता है, ये सब चीज़ें होती है. दिस मैन हैज़
आई बिलीव कि ये फिल्म सिर्फ एक डांस, ये एक डांस फिल्म नहीं है, ये एक, इसमें बहुत ही तगड़ी स्टोरी है, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट सब कुछ है जो ABCD 1 ABCD 2 में था, बट एक और चीज़ है एंड वो बस आई वॉज वेरी सरप्राइज कि सर ये मतलब ये ऑल वो लाइक एंड आई एम जस्ट सो मतलब ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस. आई एम सो ग्लैड टू हैव मेट समवन लाइक रेमो इन माई लाइफ एंड आई थिंक वी जस्ट ड्राइव ईच अदर. आई मीन आई नो आई ड्राइव हिम मैड ऑल्सो, आई नो दैट, बट आई लव हिम, आई रियली लव हिम. भूषण जी, स्ट्रीट डांसर इन 3D वाज अमेजिंग एक्चुअली, और आपकी और एक फिल्म आ रही है तानाजी विच इज इन 3D, तो ये 3D का कल्चर आप मतलब आप सब चीज 3D में ही करोगे सर अभी? नहीं नहीं, डांस फिल्म तानाजी तो ऑब्वियसली इट्स अ एक्शन पैक फिल्म, तो इसलिए वो 3D में करनी है, हमारा पहले से ही प्लान था. बट स्ट्रीट डांसर बिकॉज ABCD 2 3D में बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी एंड हमारा बिगनिंग से ही प्लान था कि हमें 3D में करें, और आप देख ही रहे हैं 3D में कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है. Hi, Justin here from PTI. I have two quick questions. One, what's for, up, Justin? Yeah, hi. Remo, was it difficult to transition with the film? I think because Katrina was once associated with it. When she backed out, was it difficult to sort of mount the project again? इसलिए हम बार-बार श्रद्धा को थैंक्स बोलते देते हैं एंड बोलते हैं कि हमारी हमको बचा लिया श्रद्धा ने. नो, एक पॉइंट पे हुआ था कि यार अब क्या करें हम लोग, एंड क्योंकि और ऐसे भी नहीं कि बैक आउट हुआ या ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो एक्चुअली डेट्स का हुआ था, सभी को पता है भारत में क्या हुआ था एंड देन हाउ शी हैज़ टू गो देयर एंड तो डेट के प्रॉब्लम हुए थे, इस वजह से वो हुआ. अदरवाइज एंड जब वो हुआ तब हम लोग टेंशन में थे. एक हफ्ते पहले बिफोर ऑल दिस हैपेंड, श्रद्धा, बिकॉज मी एंड श्रद्धा वेरी गुड फ्रेंड्स इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड वी हैड गॉन समवेयर, वी गॉट टुगेदर एंड शी टोल्ड मी कि यू नो आई वॉज वेरी अपसेट विद रेमो एंड यू दैट यू ऑल डिडंट ऑफर मी दिस फिल्म. And script kuch aur thi us waqt. I think that's why sir didn't think about it. And she genuinely was emotional about this. And I got very emotional. And phir destiny. I think it's destiny, yes. Yeah, destiny. Achha, ek question. Also, mera bhi role le legi next film mein lagta hai. Also, Varun, you mentioned in the beginning how relevant the film is considering what's happening today. We are seeing students taking to streets to protest and then subsequent violence. Tell me, is it becoming difficult for actors to speak out? Because if you speak out, it'll look like you're against the country and something like that. Is that a fear that you operate from? I think it's, one, though it's a person-to-person thing, it's not about fear. Personally, I'm not scared. I'm not scared of anyone because I love my country. I love all my countrymen. I'm feeling the safest in this room. Who's going to touch me with all of you all over here? So my thing is that, you know, speaking out today has become social media. मतलब आपने tweet नहीं किया तो मतलब आप गलत हो. But tweet करने से क्या होता है? हमने is full of India on Twitter? नहीं. Are you tweeting? Oh, sorry. Varun, hi. Is full of India on Twitter right now? No. So what I feel personally as a person, I can have those conversations in my living room with my parents, with my friends. And I think the best way for all of us to make a difference is by living your life. आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं? आप काम के वक्त कैसे होते हो? आपके दोस्त यार कौन है? क्या हम लोग जैसे हम, आई मीन दैट्स द वे आई हैव बीन ब्रॉट अप. मैं कभी कुछ भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं सबके साथ दोस्ती रखता हूँ और सबके साथ काम करता हूँ. सो दैट्स मी एज अ पर्सन, तो दैट्स मी सेटिंग एन एग्जांपल. वरुण, हाय, दिस इज प्रियंका फ्रॉम इंडियन एक्स.